hello friends welcome to rias classes ask session where we will study about the topic liberalization privatization and globalization this topic is part of unit 17 economic reforms of the subject business environment mco4 mcom second year igno before we begin if you like the videos that i'm sharing do hit the like button do share your comments to let me know you find all this useful for your studies also don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की जो कि है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सो हमने ये देखा कि जो फर्स्ट फेस है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दौर है वो किस तरीके से इंडिया में शुरू हुआ वो सब हमने देखा एंड उसका नीड क्या था वो भी हमने देखा अर्लियर अगर हम बात करें 1985 की तो 1985 के अराउंड जो था राजीव गांधी वगैरह थे उस टाइम ही टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट और उन्होंने ये सजेस्ट किया था हम जो है हमें तीन चीज़ें मेनली करना है हमें एक तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ओके okay? प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाना है आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा पुराना वगैरह है उससे हम जो है बाहर के विदेशों के साथ या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स ही अगर ले लो उन लोगों के साथ हम लोग ना टक्कर नहीं दे पा रहे थे तो इन सब के कारण हम हमें अगर जैसे ग्लोबलाइजेशन करना है यानी कि अगर हमें बाहर के विदेशी प्रोडक्ट्स से टक्कर लेना है तो वी नीड टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इसके अलावा पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द कैपेसिटीज अब देखो रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं सो so, हम ये चाहते हैं कि रिसोर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज करें सो so, इन सब में जो है बेसिक उन्होंने ये देखा था कि उस टाइम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे ज्यादा फोकस रहता था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही ड्राइव करते थे हमारा पूरा ग्रोथ का कहानी पूरा उनके कंधों पर था बट वो कंधों पर जो उनका भार है उस भार को शिफ्ट करके हम किस पे वो भार देना चाहते थे थोड़ा सा हम शेयरिंग एक तरीके से वो बर्डन शेयरिंग हो गया वो हम देना चाहते थे प्राइवेट सेक्टर्स को तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया प्राइवेट सेक्टर का वी वांटेड कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है ग्रेटर रोल प्ले करे हमारा जो हमने जो सपना देखा हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसमें प्राइवेट सेक्टर भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे तो इन्हीं सब के चलते प्लस वो बीच में क्राइसिस वगैरह भी आया उन्हीं उन सबसे धीरे 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 देखो हमने लिबरलाइजेशन की कहानी तो ही ली कि क्यों हमें जो है बहुत सारे पॉलिसीज़ वगैरह में चेंजेस करना पड़ा बहुत सारा वो सारे रीजंस हमने प्रीवियस यूनिट में ऑलरेडी कवरअप कर लिया है प्रीवियस सेशन uh, में सॉरी कवरअप कर लिया है कि क्या नीड था तो उन सब के चलते जो है लिबरलाइजेशन आया एंड उसके साथ प्राइवेटाइजेशन एज़ वेल एज ग्लोबलाइजेशन ये जो एल का कॉन्सेप्ट है ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने अडॉप्ट किया सो so, हम जो है सबसे पहले लिबरलाइजेशन से ही शुरू करते हैं लिबरलाइजेशन में आपको पता है कि क्या किया था हम लोगों ने हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखो पहले जो था कुछ भी नया आपको अगर स्टार्ट करना हो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे बहुत ज़्यादा एक्सेस में था वो जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो था वो बहुत ही ज्यादा ओवर था बहुत ही ज्यादा एक्सेस था जिससे कि जो है नए नए लोग नहीं आ पा रहे थे नए कंपनीज नहीं आ पा रहे थे वो इन्हीं जी जो लाइसेंसिंग वगैरह के चक्करों में भी में ही जो है वो उलझल उलझ उलझ जाते थे देन हमारे इंडिया में वी डेवलप्ड सिस्टम ऑफ लाइसेंस परमिट राज लाइसेंस परमिट राज जो था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो Uh, हमने बना रखा था बट अगेन इट अप्लाइड अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन इसमें भी अगेन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे और दिक्कत किसको होती थी प्राइवेट फर्म्स जो थे वो जो जब एस्टेब्लिश करना चाहते थे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग हो गया कोई भी प्रोडक्शन कहीं पे भी जब प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहते थे तो उनको जो है अननेसेसरी डीले होता था इतना टाइम वेस्ट होता था वो सोचते यार हमारे पास पैसा है हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट तुम लोग हमको इन्वेस्ट ही नहीं करने दे रहे तुम लोग हमें वही भागवॉड में पेपर वर्क में फालतू के लाइसेंसों में इन सब में तुम हमको उलझा रहे हो तो इससे उन सबको हटाने के लिए जो है ताकि ये जो बड़े बड़े बिग हाउसेस है बिग कॉरपोरेट्स हैं वो सब हमें छोड़ के ना चले जाए वो कहीं और जाके इन्वेस्ट ना कर ले इसलिए हमको जो है मजबूरी में क्या करना पड़ा हमको ये जो ये हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे थे उसको थोड़ा सा जो है हल्का करना पड़ा उसको काफ़ी चीज़ों को हटाना पड़ा सो so, इसी के चलते हमने जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जो है अबॉलिश किया अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर स्मॉल लिस्ट ऑफ 18 इंडस्ट्री सो so, 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के हमने जो है बाकी सब में जो है हमने अबोलिश uh, कर दिया ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो रूल था एंड इसके अलावा नाइनटीन अप्रैल में जो है गवर्नमेंट ने तीन और गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव थ्री मोर आइटम फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ रिजर्व आइटम तो अठारह में से तीन और चले गए तो ऐसे करके जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो पंगा था ना फॉर ऑल द प्रोजेक्ट उसको जो है हटा दिया गया कुछ को रिजर्व करके रखा अठारह को पहले रिजर्व करके रखा फिर उसमें से तीन और हम लोगों ने गवर्नमेंट ने जो है वो हटा दिया इसके अलावा क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया देखो एक सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट था जो बिग कंपनीज होते हैं बिग बिग बहुत ही बड़े MNC's जो होते हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ओके बट उन पे जो है एक सीलिंग लिमिट लगा हुआ था एंड नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया भाई ये सीलिंग लिमिट को हटाना पड़ता क्योंकि भाई नए हटाया तो क्या होगा ये लोग भाग जाएंगे सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्राइब फॉर बिग बिजनेस हाउसेज सो दैट दे कुड अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन बिग प्रोजेक्ट इन द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी तो वो जो सीलिंग लिमिट है ना वो बिग हाउसेज जो भी देखो सीलिंग लिमिट छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट पे तो नहीं लगता ना वो करोड़ों करोड़ों के जो बिग हाउसेज है उन पे लगा हुआ था तो हम ये भी चाहते थे कि वो लोग जो है अपना पैसा लेके इंडिया से बाहर चले जाए कहीं और जाके इन्वेस्ट करें वी वॉन्टेड दैट मनी क्योंकि वो मनी आएगा तभी हमारा जो है हमारा वो जो चेन होता है पैसा आएगा तभी जो है हमारा ग्रोथ का जो है ग्रोथ हो, होगा सो वी वॉन्टेड ग्रोथ वी वॉन्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो हमने जो है ये डिसाइड किया कि जो सीलिंग लिमिट का जो पंगा है गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग जो है इसको हटाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसिव जो भी आपके जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थे या फिर एक्सेसिव जितने भी कंट्रोल्स थे या फिर एक्सेसिव जितने भी लाइसेंस थे जिन जिनके देखो बिना भी काम हो सकता जो अलतू फालतू के थोड़े ज्यादा थे जो कि एक तरीके से हिंड्रेंस पैदा कर रहा है ओके okay? तो उन सबको जो है हटाया गया एंड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर लिबरलाइजेशन नेक्स्ट हमारा है प्राइवेटाइजेशन तो लिबरलाइजेशन हमने देख लिया अब हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन पे प्राइवेटाइजेशन है क्या प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओंड और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है ओनरशिप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर सिंपल प्राइवेटाइजेशन में हो क्या रहा है ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है स्टेट ओन्ड या फिर जो भी जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं किसको ओनरशिप ट्रांसफर होगा फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू योर प्राइवेट सेक्टर तो दैट इज योर प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो है उससे हम तीन फॉर्म में समझ सकते हैं तीन फॉर्म के प्राइवेटाइजेशन होते हैं पहला हो गया आपका द फर्स्ट वन इज योर ओनरशिप मेजर द सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल मेजर एंड थर्ड वन इज योर ऑपरेशनल मेजर ओके सो ये तीन तरीके के हो सकते हैं ओनरशिप मेजर ऑर्गेनाइजेशनल मेजर और आपका ऑपरेशनल मेजर तो एक एक करके हम इन तीनों को शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या तो so, सबसे पहले हम ओनरशिप मेजर्स को देखते हैं ओनरशिप मेजर्स का मतलब सिंपल होता है कि जहाँ पे ओनरशिप होता है ट्रांसफर होता है किसका किसमें पब्लिक एंटरप्राइजेस का ओनरशिप ट्रांसफर होता है टू

ओके टोटल डी नेशनलाइजेशन पहला है जहाँ पे ओनरशिप जो है देखो ओनरशिप मेजर में ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है सिंपल आपको याद रखना है पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर में बस ये चीज़ याद रखना है टोटल डी नेशनलाइजेशन में हंड्रेड परसेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है सेकेंड वन इज योर जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर क्या होता है यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफर होता है ऑफ ओनरशिप किसका फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू योर प्राइवेट प्लेयर्स ठीक है तो यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफर होता है जो थर्ड है वो हमें हमारा लिक्विडेशन लिक्विडेशन क्या होता है इट इम्प्लाइज द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू एन इंडिविजुअल और अ हु मे यूज देम इंडिविजुअलेशन हुई पर्पस डीम्ड फिट यानी कि यहाँ पे सेल ऑफ एसेट हो रहा है अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा एंटरप्राइज है जो कि डूब रहा है एकदम ही डूब के वो लॉस मेकिंग है वो सालों से लॉस ही लॉस दिए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसको लिक्विडेट कर सकती है यानी कि उसके जो एसेट्स वगैरह हैं उसको बेच सकती है एंड वो सारे किसके पास चले जाएंगे खरीदेगा कौन प्राइवेट प्लेयर्स खरीदेंगे अब प्राइवेट प्लेयर की मर्जी है कि भाई वो प्राइवेट कंपनी उसको जैसा चाहे उसको यूज़ कर सकती है सो so, दैट इज़ योर लिक्विडेशन लिकुडेशन में मोस्टली जो लॉस मेकिंग होता है याद रखना जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होगी घाटे में सालों सालों से घाटे में नुकसान में चल रहे हैं ऐसो को जो है वाइंड अप करके ऐसो को हम लिक्विडेट कर देते हैं लिक्विडेट करके उसके एसेट्स वगैरह जो है बेच देते हैं कौन खरीदता है उसको प्राइवेट सेक्टर खरीदता है एंड प्राइवेट सेक्टर जो होता है अपनी मर्जी वो किसी भी पर्पज़ के लिए उसको जो है यूज़ कर सकता है जो फोर्थ वन है वो है वर्कर्स कॉपरेटिव ना ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज में बी ट्रांसफर टू द वर्कर्स हु फॉर्म अ कॉपरेटिव टू रन एन एंटरप्राइज तो यहाँ पे देखो नाम आ गया वर्कर्स कॉपरेशन तो ऐसा कोई पब्लिक सेक्टर ऐसा कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि ढंग से चल नहीं रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जो वर्कर होते हैं वर्कर लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर लोग काम करते हैं वो वर्कर लोगों का एक छोटा सा कॉपरेटिव बच जाता है एड वो लोग मिलके उसको चलाते हैं सो so, एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया शेयर खरीदेगा जो और जो हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है उसका शेयर कौन खरीदेगा उसके एम्प्लॉयिज खरीदेंगे ओके okay? सो so, उसके एम्प्लॉयज है उसका शेयर खरीद लेंगे एंड यही हो गया वर्कर्स कॉपरेटिव जहाँ पे ये एक स्पेशल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ओनरशिप जो होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस का वो ट्रांसफर हो जाता है टू द वर्कर्स जो कि उस एंटरप्राइजेस को रन करते तो ओनरशिप मेजर में हमने क्या देखा ओनरशिप मेजर में ओनरशिप ट्रांसफर होता है किसका किस में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ओनरशिप ट्रांसफर होता है प्राइवेट सेक्टर में एंड ये टोटल डी नेशनलाइजेशन हो सकता है जहाँ पे 100 परसेंट ट्रांसफर होगा सेकंड वन इज योर जॉइंट वेंचर जहाँ पे पार्शियल ट्रांसफर होगा थर्ड वन इज योर लिक्विडेशन लिक्विडेशन हमने देख लिया लॉस मेकिंग को हम पूरा का पूरा वाइंड अप करके जो है उसके एसेट्स वगैरह बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं फिर प्राइवेट सेक्टर की मर्जी होती है वो जैसे चाहे उसको यूज करें एंड द फोर्थ वन इज योर वर्कर्स कोऑपरेटिव ठीक है ये चार आई होप समझ आ गया होगा आपका यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप देख लिया टाइप है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स नाउ दिस सेवरल मेजर्स टू लिमिट द द स्टेट कंट्रोल ओवर पब्लिक एंटरप्राइजेस अब स्टेट का जो ओनरशिप है स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का कितना हिस्सेदारी है तो वो चीज यहाँ पे कि उसका कितना शेयर है वो यहाँ पे बात आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर के अंदर इसमें सबसे पहला आपका इसमें दो चीज़ें है दो तरीके के ये हो सकते हैं पहला हो गया आपका होल्डिंग कंपनी एंड द सेकेंड वन इज योर लीजिंग नाउ होल्डिंग कंपनी क्या है दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्रोवाइड लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी डिसीजन मेकिंग फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी एंड द गवर्नमेंट लिमिट्स कंट्रोल टू सर्टन टॉप लेवल डिसीजन तो यहां पे जो होता है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है पर बहुत ही ज्यादा कम होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही ज्यादा कम होता है गवर्नमेंट जो होता है की डिसीजन में वो भी टॉप मैनेजमेंट में ही डिसीजन लेती है बाकी ओवरऑल फंक्शनिंग जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ दिया जाता है कि भाई आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ आप खुद जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ इसका एग्जाम्पल है जैसे कि इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल हो गया आपका आपका सेल हो गया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज है उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं बट कभी कभी जो होता है कि जो की डिसीजन लेना होता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना है कहीं कुछ करना है तो वो की डिसीजन में गवर्नमेंट जो है पार्टिसिपेट करता है उसके अलावा गवर्नमेंट इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता इनके डेली फंक्शनिंग में जो है गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता सेकेंड आपका है लीजिंग लीजिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है परमिट करता है यूज ऑफ एसेट्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कोई एसेट को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस यूज कर सकती है ओके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एसेट है ये एंड वो लीज के कुछ टाइम के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर उसको यूज कर सकती है फॉर एग्जांपल लेट से पांच साल के लिए यूज कर सकती है तो दैट इज योर लीजिंग का पीरियड एंड उसके लिए जो होता है द बिडर एक बिडिंग होता है यहाँ पे प्रॉपर बिडिंग वगैरह होता है एंड कुछ अमाउंट uh, वगैरह है जो प्राइ अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होता है तो सिंपल ये लीजिंग का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कुछ एसेट जो पब्लिक सेक्टर का हो गया वो दिया जाता है टू यूज़ बाय द प्राइवेट सेक्टर तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स हो गया जो थर्ड पार्ट है दैट इज योर ऑपरेशनल मेजर्स नाउ द एफिशिएंसी ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज कैन बी भी बाय अ नंबर ऑफ ऑपरेशनल मेजर तो हम जो है हमारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसका जो ऑपरेशनल पार्ट है ऑपरेशन हम उसको जो है बहुत ज्यादा हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं पहला इंप्रूव हम इसलिए कर सक, कैसे कर सकते हैं कि भाई उनको जो है डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी दो कि वो खुद से डिसीजन ले पाए कि जरूरी नहीं कि हर डिसीजन के लिए उनको गवर्नमेंट के पीछे पीछे चक्कर काटना पड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए सेकेंड है कि भाई वर्कर वगैरह को जो है इंसेंटिव दो कि अगर उन्होंने जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किया है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो थोड़ा सा शेयर जो है उसका एम्प्लॉज को भी दो थर्ड आप क्या कर सकते हो कि आप जो है इनपुट एक्वायरिंग यहां पे फ्रीडम टू एक्वायर इनपुट फ्रॉम द मार्केट टू रिड्यूस कॉस्ट यानी कि कभी कभी जो होता है हमें सस्ते में माल जो है मार्केट से मिल जाता है तो वो उनको अलाउ करो कि भाई अगर आपको सस्ते में कहीं से माल मिल रहा है तो आप उसको ले लो वो डिसीजन मेकिंग जो करने का जो पावर है वो उनको दे दिया जाए देन द लास्ट वन इज परमिशन टू अ पब्लिक एंटरप्राइज टू रेस रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट अगेन अगर कोई मॉडर्नाइजेशन करना हो अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन uh, करना हो एक्सपेंशन करना हो तो इन सब चक्करों के लिए इन सब चीज़ों के लिए जो है हम इतना जो है ऑटोनॉमी दे दें इतना जो है उनको छूट दे दें कि भाई ये डिसीजन जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज खुद ले सके ना कि गवर्नमेंट के पीछे बार बार पड़े रहे तो ये जो है हमने तीन टाइप ऑफ देख लिए कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है वो हमने देख लिया प्राइवेटाइजेशन में सिंपली क्या है देखो सारा ना ओनरशिप का खेल है प्राइवेटाइजेशन में सब खेल ओनरशिप का है ओनरशिप किसका होगा पहले वो हो वो वो ओनरशिप ओनरशिप पब्लिक सेक्टर का होगा और हटके हटके पीएसयू से किसके पाहात में आ जाता है? ट्रांसफर हो जाता है टू योर प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड चीज है जो हमको पढ़ना है प्राइवेटाइजेशन हमने लिबरलाइजेशन देख लिया प्राइवेटाइजेशन देख लिया अब हमको देखना है ग्लोबलाइजेशन होता क्या है Now, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि इंडियन इकॉनॉमी को जो वर्ल्ड का इकॉनॉमी है उससे जोड़ना सो so, एक तरफ वी हैव द इंडियन इकॉनॉमी एक तरफ वी हैव द वर्ल्ड इकोनॉमी इन दोनों को एक साथ जोड़ना जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है स्मूदली हो पाए हम यहाँ से अपने जो बेस्ट सामान है विदेश में दे पाए भेज पाए और विदेशी लोग जो है हमारा सामान इम्पोर्ट खरीद पाए तो विदेशी लोग हमारा सामान खरीदने से क्या होगा हमारे पास भाई डॉलर्स आएंगे ओके okay? हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा खैर ये सब अलग ही टॉपिक है इसमें हम नहीं जाएंगे हम जो हमें जो आपको पढ़ना है वही देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपका सिंपल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि भाई इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना एंड इसमें चार बेसिक कंपोनेंट होते हैं क्या होता है एक तो फ्री फ्लो होता है ट्रेड फ्रीली ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विस ट्रेड होता है किस चीज का गुड्स एज वेल एज सर्विस का फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड ओके फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड गुड्स का सर्विस हो रहा है उधर इधर जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है सेकेंड वन इज योर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कैपिटल का फ्री फ्लो हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू द अदर वर्ल्ड या फिर फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया तो कैपिटल का फ्री फ्लो हो रहा है टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो हो रहा है अगर हमें लग रहा है कि हमारा टेक्नोलॉजी थोड़ा ख़राब है स्विट्जरलैंड में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट है तो हम वहाँ से जो है टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा सकते हैं उसको यूज़ करा सकते हैं तो दैट इज योर टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो देन वी हैव लेबर का फ्री फ्लो यानी कि बाहर के कंट्री से लोग आके हमारे यहाँ पर काम कर सकते हैं प्लस हमारे यहाँ के लोग भी विदेश में जाके काम कर सकते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में फ्री फ्लो होता है देयर इज फ्री मूवमेंट फ्री फ्लो होता है ट्रेड का फ्री फ्लो होता है कैपिटल का फ्री फ्लो होता है आपका टेक्नोलॉजी का एंड फ्री फ्लो होता है लेबर का तो इन सारी चीजों का फ्री फ्लो होता है जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो यहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो रहता है आपका ओके okay? नाउ अब ग्लोबलाइजेशन के ये जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले जो है हम कस्टम ड्यूटीज को जो है रिड्यूस कर सकते हैं भाई देखो अगर कस्टम ड्यूटी वगैरह ज्यादा होगा तो कौन इंडिया में आएगा कोई नहीं आएगा ना वो सोचेगा कि भाई इंडिया में क्यों आ रहे हैं चाइना में चलते चाइना हमें सस्ता है। तो हमें रिमूव करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे जो है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन एंड देखो जब हम ग्लोबलाइजेशन में जाते हैं ना एक बात याद रखना जब जब इंडिया में ही इंडिया अगर क्लोज है अगर इंडिया के अंदर ही आपको सब कुछ करना है तो आप भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल फॉलो करो बट आप जब ग्लोबलाइजेशन में चले जाते हो ना ग्लोबलाइजेशन जब आप अडॉप्ट करते हो मतलब कि आपका जो कंट्री है क्लोज नहीं रहा आपकी इकोनॉमी क्लोज नहीं रही आपका जो है अब जो है इकोनॉमी खुल चुका है पूरे दुनिया के लिए खुल चुका है आपका इकोनॉमी आपका कंट्री पूरे दुनिया के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो खुल चुका है इसका मतलब ये कि आपको जो है जितने भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वो हटाना पड़ेगा वो क्यों हटाना पड़ेगा क्यों तो क्योंकि देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोब जो जो ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं यानी कि जो जो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं विथ वन कंट्री टू द अनदर तो वहां पे जो कुछ रूल्स आपको ग्लोबल रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रूल्स बनाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के हिसाब से ये जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है ये सब आपको हटाना पड़ता है तो ये अगेन हमें हम क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें भी डब्ल्यू के रूल्स वगैरह को फॉलो करना पड़ेगा एंड इसके हिसाब से हमें भी जो है क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ा थर्ड वन इज योर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट को जो है अपने जो एक्सचेंज रेट है वो एकदम ध्यान से देख के रखना पड़ता है क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे रुपी जो है वो डिवैल्यू हो जाए क्योंकि हम जो बाहर ट्रेड करते हैं हम फॉरन uh, करेंसी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हमें अपना रुपी का रेट भी जो है वो फ्लक्चुएशन वगैरह ध्यान में बहुत ध्यान से ये सब चीजें देखना पड़ता है एंड योर फोर्थ वन इज वॉट इज इट फेसिलिटेटिंग फॉरिन इन्वेस्टमेंट यानी कि ईयर आफ्टर ईयर गवर्नमेंट क्या करती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो के लिए बहुत सारी चीजें करती है जैसे कि हाई प्रायोरिटी देती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में भी परमिट कर रखा है एफडीआई वगैरह के लिए तो ये सारी चीजें जो है आपको करते रहना पड़ेगा कि जिससे कि एफडीआई जो है यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मूदली इंडिया में आ सके एंड फाइनली एनकरेजमेंट ऑफ फॉरिन टेक्नोलॉजी देखो इंडिया का टेक्नोलॉजी बहुत पुअर है तो हमें अगर कुछ लेटेस्ट चाहिए तो हमें बाहर का टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे सिंपल है कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी हो आप उसको अडॉप्ट करो और जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री है उसमें लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है आप जो है यूज करो तो ये सारी चीजें हैं जो हमें मेजर्स अडॉप्टेड जो हमने मेजर अडॉप्ट किए जिससे कि हम जो है स्मूथली जो है ग्लोबलाइजेशन uh, की तरफ जो है बढ़ सके तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लोबलाइजेशन हमने ये तीन चीजें देख ली हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों चीजों को जो है हमने समझ लिया सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय